आपका फोन कभी भी डेड हो सकता है। आपको पता है, आप हमेशा फोन को ये सोच के चलाएं कि आपका फोन कभी भी डेड हो सकता है, क्योंकि फोन डेड हो जाए हमें इस बात का दुख नहीं होता। जब फोन डेड हो जाता है तो उसके साथ साथ हमारी यादें भी डेड हो जाती हैं। कैसे? जैसे कि आजकल सारा डाटा फोन के अंदर होता है, हमारे फोटो, तगड़ी तगड़ी सेल्फी, जो स्नैपचैट की सेल्फी, बहुत सारी सेल्फियाँ होती हैं, वीडियोज होती हैं, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे जानकारों के फ़ोन नंबर होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे फ़ोन के डेड होने के साथ साथ डिलीट हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। कभी कभी फ़ोन ऐसा भी डेड होता है कि हम उसे रिपेयर नहीं करवा पाते, उसको बनवा नहीं पाते, क्योंकि वो चालू नहीं हो पाता, क्योंकि सीपीयू जिसका ख़राब हो जाता है तो उसको बनवाने में फ़ायदा भी नहीं होता। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आपका फ़ोन चाहे डेड हो जाए, लेकिन आपकी यादें, आपकी सेल्फी, आपकी वीडियोज, आपके फोटोज, आपके फ़ोन नंबर, वो कभी डिलीट नहीं होंगे चाहे फ़ोन डेड हो जाए। अच्छा, एक बात बताऊं, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हमारी YouTube फैमिली 12,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारी YouTube फैमिली में जुड़ोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल माई जी नॉलेज। तो सबसे पहले, सबसे सिंपल और सबसे ज़रूरी, हम चार चीज़ों पर अपना फोकस रखेंगे। सबसे पहला, हमारे फ़ोन के जो फ़ोटोज़ होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में फ़ोटोज़ पड़े होते हैं। नंबर दो, हमारे फ़ोन की जो वीडियो होती है। नंबर तीन, हमारे फ़ोन में जो इम्पोर्टेंट मोबाइल नंबर है। और नंबर चार, हमारे व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री। तो ये चारों चीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं, ये हमारी कभी भी डिलीट नहीं होनी चाहिए। फ़ोन डेड हो जाए, फ़ोन डिलीट हो जाए, लेकिन ये चीज़ें हमारी कभी डिलीट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके की वजह से आपकी ये यादें, आपकी ये जो हिस्ट्री है, आपकी जो इमेज है, आपका जो डाटा है, ये कभी डिलीट नहीं होगा, चाहे आपका फ़ोन ही क्यों ना चुर जाए। तो हमारी इन सारी चीज़ों को बचा के रखने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक Gmail ID। जी हाँ, एक Gmail ID और उसका पासवर्ड। अगर आपको ये नहीं पता कि Gmail ID क्या होती है, उसका पासवर्ड क्या होता है, कैसे बनाएं, तो आप सिंपल YouTube पे सर्च करके पता कर सकते हो कि कैसे कैसे Gmail ID बनाई जाती है और उसका पासवर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपनी Gmail ID और उसका पासवर्ड कहीं लिख के रख लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन चुर जाए, गिर जाए, टूट जाए, ख़राब हो जाए एकदम, जो कभी बने ही ना, लेकिन अगर आपके पास आपकी मेन Gmail ID और उसका पासवर्ड है, तो आप अपने फ़ोटोज, वीडियोज, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप की हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आराम से रिकवर कर सकते हो कहीं भी, किसी भी फ़ोन में, किसी भी सिस्टम में। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे कैसे हमें ये सब करना है। ये है, ये ड्राइव के नाम से, ऐसे ड्राइव के नाम से एक एप्लीकेशन होता है। अगर ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में बाई चांस नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे यहाँ पे ड्राइव लिख दोगे सिंपल। ये आ गया हमारा गूगल। अगर आपके में डाउनलोड नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी Email ID बनी पड़ी है, आपके फ़ोन में लॉगिन है, तो आपको सिंपल ड्राइव खोलोगे तो उस ड्राइव खोलते ही सीधा इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, ये सिंपल इस तरीके का। जिसने Email ID कर रखी है, Gmail ID लॉगिन नहीं कर रखी है, उनको क्या करना है, जैसे ही आप ड्राइव खोलोगे तो इसमें मांगेगा आपका Gmail ID और पासवर्ड, वो आप लोगों को डाल देना है सिंपल, और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस टाइप से आपका इंटरफेस खुल जाएगा, स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन में इस तरह से आपको दिखने लग जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये प्लस वाला आइकन है, ये वाला जो प्लस वाला आइकन है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखेंगे, फोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक, डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स। तो आप चाहें तो पूरे के पूरे फोल्डर को, पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी फ़ोटो, वीडियो, गाने, कोई भी चीज़, एनीथिंग, PDF की फ़ाइल, वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो हम सीधा इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी फ़ोटो एक चूज कर लेंगे, फ़ोटो, वीडियो, कुछ भी जो आपको सेव करना है, जो सिक्योर करना है, जो आप चाहते हो कि कभी भी डिलीट ना हो, तो यहाँ से आपको वो सेलेक्ट कर लेना है सिंपल। ये यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से ये अपलोडिंग चल रही है, और ये यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया।
अब ये वाला जो हमारा फोटो है, चाहे वीडियो है, चाहे गाने हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे पीडीएफ फाइल है, ये हमारा लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो गया। अब हमारा फ़ोन टूट जाए, चुर जाए, गुम जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये फ़ोटो अब हमारा कभी डिलीट नहीं हो सकता जब तक हम खुद इस फ़ोटो को डिलीट ना कर दें। यहाँ से आपको इस तरीके से बैकअप ले लेना है। और आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल इस तरीके से भी आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने फ़ोन की गैलरी ओपन की, गैलरी ओपन करने के लिए आपने मल्टीपल फ़ोटोज सेलेक्ट कर लिए, मल्टीपल वीडियोज, एनीथिंग, कुछ भी। आपको यहाँ पे शेयर वाले बटन पे जाना है। शेयर वाले बटन पे जाने के बाद आपको सिंपल इसमें वही ड्राइव का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे ड्राइव नीचे, ये जो ड्राइव का ऑप्शन है ये आपको दिख जाएगा। इस पर आपको ओके कर देना है। इस तरीके से यहाँ से आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो ड्राइव पे अपलोड हो रही हैं, और ये हम यहाँ से ड्राइव खोल के देखेंगे। तो ये देखिए, इस फोल्डर में हमने वो डाली है। आप इसमें फोल्डर भी बना सकते हो जहाँ पे फ़ोटो रखनी है। तो यहाँ देखो, हमने इस तरीके से ये फ़ोटोज़ अपलोड कर दी। ये अब हमारी परमानेंट हो गई। बस शर्त एक है कि आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड आपका कभी गुम नहीं होना चाहिए, और आपको जीमेल आईडी बनाते टाइम उस जीमेल आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक जरूर करना है। अगर बाई चांस आप अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो तो आप अपने नंबर पर ओटीपी लेके उस पासवर्ड को दोबारा से बना सकते हो, सिंपल सा। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं बनानी आती है तो आप सिंपल यूट्यूब पर लिखोगे हाउ टू क्रिएट ए न्यू जीमेल आईडी, उसमें आपको पता चल जाएगा। हिंदी लिख दोगे तो हिंदी में पता चल जाएगा, अगर नहीं लिखोगे तो इंग्लिश में वीडियो आ जाएगी। सिंपल, आपको बस इतना सा करना है। अब यहाँ पे हो गए हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, गाने वगैरह सारी चीज़ें बैकअप लेने की। अब आपको, अगर आपके फ़ोन नंबर आप चाहते हो कि कभी डिलीट ना हो, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स एंड बैकअप किसी के में, मतलब अकाउंट ज़रूर लिखा होगा, ठीक है, कुछ बैकअप वैकअप और कुछ भी लिखा होता है लेकिन अकाउंट ज़रूर होगा। आपके फ़ोन में ऑप्शन अलग हो सकता है, तो आपको इस तरीके से क्लिक करना है, इस तरीके से क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है मैनेज अकाउंट्स पे। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आपने जो आपकी जीमेल आईडी है, मेन जीमेल आईडी, उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये लिख रहा है सिंक अकाउंट, इस पर ओके करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा कॉन्टैक्ट्स, ये अगर आपका ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर देना है। बस ये यहाँ सिंकिंग चल गई है। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोन नंबर हैं वो सब आपकी ईमेल आईडी पे सेव होते रहेंगे। आप नए ऐड करोगे वो और सेव हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप किसी भी फ़ोन में जब इस ईमेल आईडी को लॉगिन करोगे तो आपके सारे फ़ोन नंबर आपके वापस आ जाएंगे। तो आपके फ़ोन नंबर कटने की टेंशन ख़त्म, आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़, गाने कटने की टेंशन ख़त्म। अब आपको बता देते हैं कि आपका व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री, सारे कॉन्टैक्ट्स की आपको कैसे रखनी है। बड़ा सिंपल है, ये भी उसी मेल से हो जाएगा। आपको सिंपल व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। ये जो व्हाट्सएप दिख रहा है, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये थ्री डॉट हैं, यहाँ पे ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। इसमें सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जाएंगे हम चैट्स के अंदर, ये जो ऑप्शन है चैट्स, इसके अंदर जाएंगे। चैट्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चैट बैकअप, चैट बैकअप पे जब आप ओके करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा बैकअप का, ये रहा जो हमने कर रखा है नेवर। अगर हमको अपनी चैट हिस्ट्री बैकअप करनी है, या आप चाहते हैं कि आपके जो फ़ोन है उसकी जो चैट हिस्ट्री है वो बैकअप होती रहे, आपको सारा डाटा आपका रिकॉर्ड होता रहे, चाहे आप व्हाट्सएप से डिलीट मार दो लेकिन आपकी जो हिस्ट्री है वो कभी डिलीट ना हो, तो आपको सिंपल बैकअप पे ओके करना है। और ये आपका यहाँ पे सारी चैट हिस्ट्री बैकअप होना शुरू हो जाएगी, और ये आप बार बार कर सकते हो, जिससे कि आपके व्हाट्सएप अगर अनइंस्टॉल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, आपका फ़ोन बंद हो जाता है, तो आपकी व्हाट्सएप की जो चैट हिस्ट्री है वो कभी की कभी डिलीट नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।